आज के वीडियो में हम आपको एक कोहल बताएंगे। पहला चैप्टर हाइड्रो इंजन और हाइड्रो इंजन था, दूसरा चैप्टर एक कोहल है। एक कोहलों का सामान्य परिचय हम बताएंगे, उसका वर्गीकरण बताएंगे और उसका नाम तंत्र बताएंगे। तो अगला चैप्टर आपका कार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। यही हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं, अर्थात जिसमें OH समूह सीधे एल्किल समूह से जुड़ा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। अब OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं जिसमें एक OH समूह होता है उसे मोनोहाइड्रेट एल्कोहल, जिसमें दो OH समूह होता है उसको डाईहाइड्रेट एल्कोहल, और जिसमें तीन OH समूह होता है उसको ट्राईहाइड्रेट एल्कोहल कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एल्कोहल तीन प्रकार का होता है। नंबर एक है समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक OH समूह होता है, जैसे आपका एथिल एल्कोहल है तो एथिल एल्कोहल में एक OH समूह है तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा इसका प्रकार जो है वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहने का मतलब जिसमें दो OH समूह होते हैं वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, CH2OH। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल जिसमें दो OH समूह है। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में तीन OH समूह होता है, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। तो OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल तीन प्रकार के हैं। एक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक OH समूह होता है, दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें दो OH समूह होता है,
और तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें तीन OH समूह होते हैं। तो ये एल्कोहल के मुख्य प्रकार तीन है और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पुनः तीन प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पुनः तीन प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तीन प्रकार में सबसे पहला है जिसको कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन में जैसे ये CH3 HHOH, कहने का मतलब है ये इसको ये R है, R का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, तो RCH2OH है। ये R का मतलब एल्किल समूह होता है, तो ये RCH2OH है, तो ये प्राथमिक अमीन होगा। अब आइए दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या जिसको द्वितीय एल्कोहल कहते हैं, जिसमें CH3 C, अब इस हाइड्रोजन को जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को भी एल्किल समूह द्वारा विस्थापित कर देंगे, ये H है और ये OH है, तो ये हो जाएगा आपका, या इसे आप लिख सकते हैं R2CHOH, ये आपका द्वितीय एल्कोहल है। इसको R2 का मतलब दो एल्किल समूह हो जाएगा आपकी बार, R2CHOH। तीसरा है टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल में ये भी H एल्किल समूह द्वारा हटेगा, यानी ये CH3OH या इसको R3COH कहते हैं, R3COH ये टर्शियरी एल्कोहल है। तो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल हो गया RCH2OH, दूसरा द्वितीय एल्कोहल हो गया, दो एल्किल समूह हो गए R2CHOH, तीसरा तीनों ये एल्किल समूह से हो गया R3COH हो गया। तो ये तीन एल्कोहल के मुख्य प्रकार तीन है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक OH समूह होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें दो OH समूह होता है, तीसरा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें तीन OH समूह होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पुनः जो तीन प्रकार का होता है, पहला प्राइमरी एल्कोहल है जिसको प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ये RCH2OH होता है, दूसरा द्वितीय एल्कोहल होता है R2CHOH होता है, R का मतलब है मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, और टर्शियरी एल्कोहल या तृतीय एल्कोहल जो होता है ये R3COH होता है। तो ये एल्कोहलों का वर्गीकरण है जिसमें मुख्य रूप से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पुनः तीन प्रकार का, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। अब आप एल्कोहलों का नाम तंत्र लिखेंगे, एल्कोहलों का नाम तंत्र देखिए, जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहलों का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है।
ऑक्सीजन H2N प्लस 1OH होता है। एल्कोहलों का ये नाम तंत्र है, उसके लिए एल्कोहलों का सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n प्लस 1OH है। इसके आधार पर इसका नाम तंत्र लिखेंगे हम, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया, श्रेणी अम्लग्न जो होगा इसका, श्रेणी अम्लग्न ऑल होगा एल्केन से हटाओगे आद जोड़ोगे एल्केनॉल होगा, एल्केन माइनस ई प्लस ऑल।